फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F15 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन से कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे हटा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को हटाने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन करना है। डायल पैड में आपको राइट साइड के टॉप पर जो डॉट का ऑप्शन है, डॉट के इस ऑप्शन पर टैप करना है। आपका पेज आता है, इसमें आपको सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपका यहाँ पर ये वाला पेज आता है कॉल सेटिंग का, इसमें आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन मिलता है सप्लीमेंट्री सर्विस, इस ऑप्शन को टैप करना है। अब आपका पेज जो यहाँ पे रिफ्रेश होता है, 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा, आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। अब आपको इस पेज में जो है ऊपर की साइड ये कॉल फॉरवर्डिंग का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। आपका ये पेज आता है, इसमें देखिए दो ऑप्शन है, वॉइस कॉल वीडियो कॉल। तो आपका कॉल फॉरवर्डिंग इसमें पहले से लग रखा है ना जिस ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर दोनों में लग रखा है तो एक एक करके दोनों से हटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए वॉइस कॉल पर टैप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर पेज जो हमारा फिर से रिफ्रेश होता है, आपको थोड़ा 10-15 सेकंड का यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस पेज में ना सबसे ऊपर ऑलवेज फॉरवर्ड का ये जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। देखिए इसे सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे देखिए एक नंबर ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर आपको ध्यान में रखना है, इस नंबर के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ऑलवेज फॉरवर्ड का इस पेज में ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आपका ये पेज आता है ऑलवेज फॉरवर्ड का छोटा सा, इसमें देखिए जो नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, जो यहाँ पर ये पहले से यहाँ पे शो हो रहा था पिछले पेज में, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये डिसेबल का ये जो ऑप्शन है इसे टैप करना है डिसेबल पे, ठीक है। आपका यहाँ पे जो फिर से रिफ्रेश होगा 10-15 सेकंड के लिए, यहां पर आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा पेज जो है रिफ्रेश हो चुका और यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे पहले जो नंबर यहाँ पे शो हो रहा था एक, अब वो नंबर यहाँ से हट चुका है। यानी कि इस तरीके से आपकी जो कॉल फॉरवर्डिंग जो है वो हट जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से कॉल फॉरवर्डिंग को ईजिली हटा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को हटाने से पहले ये सेटिंग कैसे काम करती थी कि कोई भी व्यक्ति जो है जब मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करता था तो वो कॉल मेरे नंबर पे नहीं आता था, वो कॉल सीधा उस वाले नंबर पे चले जाता था जो नंबर यहाँ पे पहले शो हो रहा था, ठीक है। तो सारे कॉल मेरे मोबाइल फोन के जो है ना उस वाले नंबर पे चले जाते थे। अब हमने क्या किया कि इस कॉल फॉरवर्डिंग को हटा दिया है, तो अभी ये सेटिंग कैसे काम करेगी, अब कोई भी पर्सन जो है ना अब मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करेगा तो वो कॉल सीधा मेरे नंबर पर ही आएगा, अब वो कॉल उस वाले नंबर पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग कॉल फॉरवर्डिंग हटाने के बाद ऐसे काम करती है। दोस्तों, अगर आपके फोन में भी कॉल फॉरवर्डिंग लग रखी है तो इस तरीके से आप उसे चेक करके उसे कॉल फॉरवर्डिंग को इस तरीके से हटा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस यही होता है वीडियो कॉल, जो मैंने आपको पीछे बताया था, वीडियो कॉल से भी इसी प्रोसेस के जरिए वहां से भी कॉल फॉरवर्डिंग को हटा सकते हैं, अगर वहां वीडियो कॉल में भी लग रखा है तो, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस सेटिंग का जरूर यूज करिएगा।